तो अलग अलग तरीके से भी, मतलब के दोनों को अलग अलग भी उबाल सकते हो। आप देख सकते हो कि शकरकंदी और सिंघाड़े एक साथ कितने अच्छे से उबल चुके हैं। देख सकते हो आप सिंघाड़े को भी और शकरकंदी को भी, देखो कितने अच्छे से उबल चुकी है। तो गाइज मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और फ्रेंड्स आप अलग अलग उबाल सकते हो बिना पानी में डाले, बहुत अच्छे टेस्ट के साथ। एक बार इस ट्रिक को ट्राई जरूर करना और इस वीडियो को